हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। ये नेटवर्क एनालिसिस का लेक्चर 11 है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस के बारे में कि अगर आपके रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हैं तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट हैं और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सीरीज कनेक्शंस के बारे में। रजिस्टर्स को हम सीरीज में देखेंगे, फिर इंडक्टर्स को सीरीज में देखेंगे और फिर कैपेसिटर्स को सीरीज में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर्स की सीरीज में। अगर हमारे पास यहाँ पर ये दो रजिस्टर्स अगर हैं R1 और R2 और ये सीरीज में कनेक्ट हैं इस वोल्टेज V से और इसमें ये I करंट फ्लो हो रहा है, तो सीरीज में मैंने आपको बताया था कि करंट हमेशा सेम होता है। तो ये रजिस्टर R1 और R2 इन दोनों में सेम करंट I आपका फ्लो होगा, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इन दोनों एलिमेंट के अक्रॉस अलग अलग होगा। जैसे R1 के अक्रॉस हम मान लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप V1 है और R2 के अक्रॉस हम मान लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप V2 है। अब यहाँ पे अगर इस कॉम्बिनेशन का हमें एक R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसके प्रीवियस वीडियो में KVL देखा था। KVL हमने देखा था एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज जीरो। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस V2 है, क्योंकि I आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हमेशा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस ऐसी डायरेक्शन में ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो KVL अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस V प्लस V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो। इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब यहाँ पे अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो V को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टोटल रेजिस्टेंस जो कि इस R1 और R2 का इक्विवेलेंट होगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका I इंटू R और यहाँ पर टोटल वोल्टेज है ये वाला वोल्टेज, तो यहाँ पर टोटल आपका ये हो जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट, मतलब इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस ये इक्वल टू हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 के। तो यहाँ पर V1 अब इस एलिमेंट में आपका ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका करंट आपका सेम है तो ये हो जाएगा I इंटू R1 प्लस V2 के अक्रॉस आपका क्या हो जाएगा, करंट सेम है तो I इंटू R2। अब यहाँ पे I आप कॉमन लेके इसको कैंसिल कर सकते हैं तो R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा कितना, R1 प्लस R2। तो ये हमने R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली जब आपके R1 और R2 सीरीज में कनेक्ट है। अब यहाँ पे तो केवल दो रजिस्टर आपके सीरीज में कनेक्ट थे, वैसे ही अगर यहाँ पे R3, R4 काफ़ी सारे रजिस्टर अगर सीरीज में कनेक्ट होते तो R इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाता, सबका एडिशन, मतलब जितने भी रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हैं उन सबका एडिशन। तो इस तरीके से आप R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो ये वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें पर्टिकुलर कैलकुलेट करना है कि इस रजिस्टर R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है। तो ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, V1 आप लिख सकते हैं I इंटू R1। अब I को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, I को क्या लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इस ओम्स लॉ से इंटू R1। अब यहाँ से V1 आपका हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस R2 इंटू R1। तो इसको आप लिख सकते हैं V R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये आपने वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लिया इस रजिस्टर R1 के अक्रॉस, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल क्यों, क्योंकि जो टोटल वोल्टेज V है वो आपका डिवाइड हो रहा है यहाँ पे V1 और V2 के फॉर्म में। तो V1 हमने कैलकुलेट कर लिया, सेम हम V2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। V2 आपका हो जाएगा कितना, I इंटू R2। अब V2 आपका हो जाएगा, I की जगह पे आप लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इंटू R2। तो ये हो जाएगा आपका VR2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आपका इस रजिस्टर R2 के अक्रॉस। इनको हम बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। तो आपने टोटल R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया और इनके अक्रॉस वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लिया। तो आगे चल के इस रूल का काफ़ी यूज होने वाला है, तो ये आप डायरेक्टली इसको बार बार ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये आप याद रखेंगे कि अगर टोटल वोल्टेज V है और दो रजिस्टर R1 और R2 आपके सीरीज में कनेक्ट हैं
और आपको एक पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल वोल्टेज V इंटू सेम रजिस्टर डिवाइडेड बाई टोटल रजिस्टेंस। वैसे ही आर टू में हो जाएगा आपका V इंटू सेम रजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल रजिस्टेंस। तो ये आप वी वन और वी टू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो बात हुई आपके रजिस्टर्स की। अब अगर इंडक्टर आपके सीरीज में कनेक्ट है तब क्या होगा, मान के चलते हैं ये एक L1 इंडक्टर है और ये L2 इंडक्टर है, ये दोनों आपके सीरीज में एक वोल्टेज V से कनेक्टेड है और यहाँ पे इनमें करंट I फ्लो हो रहा है। इस इंडक्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप V1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 मान लेते हैं, सीरीज में कनेक्ट है तो ये करंट आपका सेम हो जाएगा। अब इंडक्टर में हम जानते हैं वोल्टेज आपका क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, और करंट आपका कितना होगा, वन अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी माइनस इनफाइनाइट से टी टाइम तक। अब ये वोल्टेज हो जाएगा और ये करंट हो जाएगा। अब अगर टोटल एल इक्विवेलेंट हमें इसमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे फिर से हम के वी एल अप्लाई करेंगे, तो के वी एल आपका क्या हो जाएगा, माइनस वी प्लस वी वन प्लस वी टू इक्वल टू जीरो, तो वी आपका हो जाएगा वी वन प्लस वी टू। अब यहाँ पे V को आप क्या लिख सकते हैं, ये टोटल वोल्टेज है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। अब V आपका टोटल वोल्टेज है, I आपका टोटल करंट है, तो यहाँ पे जो L है ये आप L इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं L इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी। ये L इक्विवेलेंट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये टोटल वोल्टेज है, इस टोटल सर्किट का वोल्टेज है, ये इक्वल टू हो जाएगा V1। अब V1 आपका ये वाला वोल्टेज है, तो ये आप क्या लिख सकते हैं, L1 di by dt प्लस ये आप लिख सकते हैं L2 di by dt। अब di by dt आप दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं और L इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है ये आ जाएगी L1 प्लस L2, ये हो जाएगी आपके पास जब इंडक्टर्स सीरीज में कनेक्ट हैं तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब अगर हम चाहें तो इन अलग अलग इंडक्टर्स के अक्रॉस ये वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें V1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, L1 इंटू डी आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए V आपका था यहाँ पे, अगर टोटल वोल्टेज की हम बात करें तो L इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी को हम लिख सकते हैं यहाँ से V डिवाइडेड बाई L इक्विवेलेंट, तो V1 आपका हो जाएगा L1 इंटू डी आई बाई डी टी की जगह पे V डिवाइडेड बाई L इक्विवेलेंट, और V1 आपका हो जाएगा L1 और V डिवाइडेड बाई L इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, L1 प्लस L2, तो टोटल वोल्टेज जो है V1 वो हो जाएगा V L1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। सेम आप सेकंड इंडक्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा V2 इक्वल टू L2 di by dt। अब यहाँ पे V2 आपका हो जाएगा L2 into di by dt की जगह पे हम लिख सकते हैं V divided by L equivalent, और V2 आपका हो जाएगा V L2 divided by L1 plus L2, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, जिसको हम वोल्टेज डिवीजन रूल भी बोलते हैं। तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिवीजन रूल देखा हमने, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिवीजन रूल देखा। ये रूल आप याद रखें कि किस तरीके से वोल्टेज आपका इन सीरीज इंडक्टर्स में डिवाइड हो रहा है, तो सिंपल, ये आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप याद रखें। अगर हमें जिस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा आपका टोटल वोल्टेज इंटू जो इंडक्टर के अक्रॉस हमें कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल इंडक्टेंस या L इक्विवेलेंट, वैसे ही आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो L इक्विवेलेंट था L1 प्लस L2, R इक्विवेलेंट था आपका R1 प्लस R2, वैसे ही वोल्टेज ड्रॉप भी सेम है, V1 था आपका V R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, वैसे ही इंडक्टर में V L1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। तो रजिस्टर और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डिवीजन रूल है वो ऑलमोस्ट सेम है, और L इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी सेम है। अब इन दोनों के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कैपेसिटर्स की, तो तीसरी चीज हम देखते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज। अब जब कैपेसिटर्स आपके सीरीज में कनेक्ट होंगे, मान के चलते हैं ये दो कैपेसिटर हैं आपके और ये एक वोल्टेज सोर्स
वी से कनेक्टेड है, ये सी वन है, ये सी टू है, इनमें करंट आपका आई फ्लो हो रहा है। तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो करंट होता है वो होता है सी डी वी बाई डी टी, और यहाँ से हम वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा कितना, वन अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ये वोल्टेज हो जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस, ये करंट हो जाएगा। तो अगर हमें इन सीरीज कनेक्शन में टोटल कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं KVL के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आपका V1 है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V2 है, तो आप यहाँ से हो जाएगा माइनस V प्लस V1 प्लस V2 इक्वल टू जीरो। तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं V को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू टी टाइम तक, ये हो जाएगा V की वैल्यू, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट हम लेंगे क्योंकि यहाँ पे टोटल वोल्टेज की बात हो रही है, और ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू टी ऑफ आई डी टी इक्वल टू, अब V1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 1 अपॉन C1, क्योंकि ये कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है C1, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट इसलिए लिखा था क्योंकि ये टोटल सर्किट की बात हो रही है, टोटल सर्किट के कैपेसिटेंस की बात हो रही है, यहाँ पे आप लगेंगे केवल C1, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट टू टी आई डी टी, क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है, वैसे ही C2 में आपका हो जाएगा 1 अपॉन C2 माइनस इनफाइनाइट टू टी आई डी टी। अब यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू टी आई डी टी आपका LHS और RHS में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जब ये सीरीज में कनेक्ट हो। तो ये कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अगर यहाँ पे और कैपेसिटर्स भी कनेक्टेड होते सीरीज में जैसे कि C3 और C4, तो सेम इसमें ये ऐड होते जाते, ये हो जाता 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4, इस तरीके से ये ऐड होते जाते, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, जब रेजिस्टर्स कनेक्टेड थे सीरीज में तो सिंपली एडिशन हो रहा था, इंडक्टर्स जब कनेक्ट थे सीरीज में तो सिंपली एडिशन हो रहा था, लेकिन जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है तो ये कुछ इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम बात करें ये वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने की, अगर हमें V1 वोल्टेज यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि इस C1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज आपका ड्रॉप हो रहा है, तो V1 आप लिखेंगे यहाँ से 1 अपॉन C1 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू टी आई डी टी। अब यहाँ पे आप चाहें तो माइनस इनफाइनाइट टू टी आई डी टी की वैल्यू आप कितनी रख सकते हैं, ये वी इंटू सी इक्विवेलेंट, क्योंकि वी आपका इक्वल है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट माइनस इनफाइनाइट टू टी आई डी टी के, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं कितनी, वी इंटू सी इक्विवेलेंट, तो V1 आपका हो जाएगा 1 अपॉन C1 इंटू वी इंटू सी इक्विवेलेंट। अब V1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन C1 इंटू वी, और सी इक्विवेलेंट ये आपके पास 1 अपॉन C इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो सी इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो V1 की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी आपके पास VC2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा आपका इस फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस। वैसे ही आप इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे तो सेम एज इट इज यही मेथड हमें यूज करनी है। ये आपका हो जाएगा आप कितना, V2 इक्वल टू 1 अपॉन C2 इंटू वी, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास V2 इक्वल टू VC1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा आपके पास इस दूसरे वाले कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो इसको हम वोल्टेज डिवीजन रूल भी बोलते हैं। तो इंडक्टर्स और रेजिस्टर्स में L इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट सेम होता है, लेकिन C इक्विवेलेंट अलग होता है। वैसे ही वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर और रेजिस्टर के अक्रॉस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन कैपेसिटर्स के अक्रॉस अलग होता है। जैसे कि अगर हमें इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है तो ये कितना होगा, टोटल वोल्टेज इनटू डिफरेंट कैपेसिटर्स जो कि इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। वैसे ही इसके अक्रॉस V2 इक्वल टू VC1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2।
तो ये हुआ वोल्टेज डिवीजन रूल इन कैपेसिटर्स में, इंडक्टर्स में और रजिस्टर्स में। कैपेसिटर में एक बात और आपको याद रखनी है, जब हमने KVL अप्लाई किया था तो टोटल वोल्टेज था आपका V1 प्लस V2 के इक्वल, और जब आपके कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं, जैसे ये सारे कैपेसिटर्स अगर आपके सीरीज में कनेक्ट हैं तो इन सारे कैपेसिटर्स में सेम करंट I फ्लो होगा और सारे कैपेसिटर्स पर जो चार्ज होगा Q वो भी सेम होगा। और अगर ये सारे कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में कनेक्ट हैं कुछ इस तरीके से, तो इन सारे कैपेसिटर्स पर जो चार्ज है वो अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो सारे कैपेसिटर्स पर जब चार्ज सेम होगा तो चार्ज और वोल्टेज के बीच में हम रिलेशन पहले देख चुके हैं कैपेसिटर्स में, क्यू इक्वल टू होता है आपका सी इंटू वी। अब यहाँ पे वी को हम लिख सकते हैं कितना, क्यू डिवाइडेड बाई सी इक्वलेंट इक्वल टू वी वन को हम लिख सकते हैं कितना, क्यू डिवाइडेड बाई सी वन, क्योंकि चार्ज तो सारे कैपेसिटर्स पर सेम है जब ये सीरीज में कनेक्ट है, ये हो जाएगा आपका Q डिवाइडेड बाई सी टू। तो Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास 1 अपॉन सी इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू। तो इस तरीके से भी आप सी इक्वलेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपके कैपेसिटर्स की। यहाँ पर कैपेसिटर के लिए हम एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि अगर मान के चलिए दो कैपेसिटर्स आपके इस तरीके से कनेक्ट हैं, ये C1 है ये C2 है, अगर इसकी वैल्यू 2 है इसकी वैल्यू 4 है, ये 2 फैराड का है ये 4 फैराड का है। अगर हमें इसका C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो C इक्विवेलेंट की जो भी वैल्यू होगी वो इन दोनों कैपेसिटर्स में जो कैपेसिटर सबसे कम होगा उस वैल्यू से भी कम होगी C इक्विवेलेंट की वैल्यू। इसको आप कैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इसका इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, ये हो जाएगा आपका कितना 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/4, और C इक्विवेलेंट आपके पास हो जाएगा 4/3, और इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1.33 फैराड। तो आप देख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो कैपेसिटर है उससे भी कम आई आपके पास C इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो बात हुई आपके सीरीज कनेक्शंस की। अब अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन की, रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तब क्या होगा, इंडक्टर पैरेलल में है तो क्या होगा, और कैपेसिटर जब पैरेलल में है तब क्या होगा। तो पैरेलल कनेक्शन में कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। पैरेलल कनेक्शन में आपका क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स सेम होगा, टोटल जो करंट होगा वो आपका सम होगा करंट्स फ्लोइंग थ्रू द पैरेलल रजिस्टर्स। जितने भी रजिस्टर आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं उन अलग अलग रजिस्टर में जितना भी करंट फ्लो होगा उसका टोटल सम होगा आपका टोटल करंट, और सबसे ज़्यादा करंट आपका उस ब्रांच से फ्लो होगा जिसका रजिस्टेंस सबसे कम होगा, और सबसे कम करंट उस ब्रांच में फ्लो होगा जिसका रजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। ये तो नॉर्मली आपने देखा होगा, अगर रजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू कम होगी, अगर रजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल की। तो रजिस्टर अगर आपके पैरेलल में कनेक्ट है तो सर्किट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये वोल्टेज आपका वी है, ये हो जाएगा आपका R1 रजिस्टर, ये हो जाएगा आपका R2 रजिस्टर, ये R1 और ये R2। इसमें अगर हम मान के चलते हैं टोटल करंट I फ्लो हो रहा है और यहाँ पे इन रजिस्टर्स में करंट आपका डिवाइड हो रहा है, इस रजिस्टर के अक्रॉस I1 करंट फ्लो हो रहा है और इस रजिस्टर के अक्रॉस I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इस नोड की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो I है टोटल करंट ये डिवाइड हो रहा है I1 प्लस I2 में। यहाँ पे हमने KCL अप्लाई किया है और यहाँ पे जो वोल्टेज है ये आपका सेम होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज V होगा और यहाँ पे भी वोल्टेज V होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शंस में वोल्टेज आपका सेम होता है। अब I को हम लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, अब I1 को हम लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई R1, क्योंकि वोल्टेज आपका V ही है यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे भी वोल्टेज V है तो V डिवाइडेड बाई R2। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में V से V कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये बचेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल कनेक्शंस में R इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी रजिस्टर इसके साथ अगर पैरेलली में कनेक्ट होंगे तो ये इसके साथ ऐड होते जाएंगे इस तरीके से, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर हम पैरेलल कनेक्शंस में बात करें करंट डिवीजन रूल की, अभी सीरीज कनेक्शन में हमने देखा था वोल्टेज डिवीजन रूल की, क्योंकि सीरीज में अगर
एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, तो आपका करंट हमेशा सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो वोल्टेज डिवीजन रूल था, वैसे ही पैरेलल में यहाँ पे वोल्टेज सेम है, करंट आपका डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल से अगर हम बात करें इस I1 करंट को कैलकुलेट करने की, तो I1 करंट आपका कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R1। अब यहाँ पर जो टोटल V है इसको हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R इक्विवेलेंट। तो V की जगह पे हम लिख देते हैं I इंटू R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R1। अब यहाँ पे I1 आपका हो जाएगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये हो जाएगा आपके पास I अपॉन R1 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो I1 की वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास I R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये हो जाएगी इस करंट I1 की वैल्यू इस रजिस्टर R1 के अक्रॉस। वैसे ही आप इस I2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं ये सेम मेथड अप्लाई करके। तो I2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी आपके पास I R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, कुछ इस तरीके से। सेम जैसा I1 कैलकुलेट किया वैसे ही I2 कैलकुलेट करना है। तो पैरेलल कनेक्शन में ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू और ये हो जाएगी आपके पास करंट डिवीजन मेथड के थ्रू I1 और I2 की वैल्यू। तो इसमें गौर करने वाली बात ये है कि वोल्टेज डिवीजन रूल जब हम देख रहे थे सीरीज कनेक्शन में तब क्या था, V1 अगर हम कैलकुलेट कर रहे थे तो ये था आपका V इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 या जितने भी रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हैं उनका एडिशन। तो ये V1 की वैल्यू थी और ये I1 की वैल्यू, डिफरेंस क्या है, वोल्टेज डिवीजन रूल के थ्रू V इंटू R1, सेम रजिस्टर यहाँ पे लेना है डिवाइडेड बाई टोटल रजिस्टर। और करंट डिवीजन रूल में क्या करना है, जिस रजिस्टर के अक्रॉस हमें करंट कैलकुलेट करना है उसका अपोजिट रेजिस्टेंस हमें लेना है। तो ये हो जाएगा आई इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, और अगर आई टू कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आर वन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और एक्सटेंशन मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए यहाँ पे एक रजिस्टर आर थ्री भी आपका कनेक्ट है कुछ इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आर थ्री भी कनेक्ट है और हमें आई वन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जब केवल R1 और R2 थे तो आपने क्या किया था, R1 के अक्रॉस जब करंट कैलकुलेट करना था तो I इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर I1 की वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करनी है तो I1 की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी, हमें पहले R2 और R3 को कंबाइंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब ये अगर R2 है और इसके साथ पैरेलल में आर थ्री है तो इसका हमें पहले आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो आर जो इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा आपके पास कितना, आर टू आर थ्री डिवाइडेड बाई आर टू प्लस आर थ्री। मतलब यहाँ पे आर टू की जगह पे अब आप ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू। तो आई वन अब आपका हो जाएगा आई इंटू, ये हो जाएगा आपका R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे नीचे आपका क्या होगा, यहाँ पे R1 प्लस, अब R2 नहीं रखना है आपको क्योंकि आपने R2 और R3 का तो जो इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया था अब वो रखेंगे, क्योंकि जो R1 R2 R3 पैरेलल में कनेक्ट थे तो R2 और R3 का आपने एक टोटल इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया था। तो अब पैरेलल में आपके पास कौन कौन से रजिस्टर थे, एक R1 था और एक R इक्विवेलेंट था जो कि R2 और R3 का इक्विवेलेंट था। तो यहाँ पे R2 की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे ये इक्विवेलेंट की, और R1 प्लस, अब यहाँ पे भी R इक्विवेलेंट की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी आपकी R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। इस बात को याद रखना है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके लिए एक सिंपल मेथड आपको और बता देता हूँ। अगर ये वोल्टेज एक V है और इसके साथ पैरेलल में बहुत सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, और ये मान के चलिए ऐसे n नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपके कनेक्टेड है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये Rn है। अब मान के चलिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे I3 की, जो R3 में करंट फ्लो हो रहा है, ये वैल्यू R I2 है, ये वैल्यू I1 है, ये टोटल करंट I है। तो इस टाइप के सर्किट्स में आप I3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे,
तो इसके लिए आप सिंपल एक फॉर्मूला याद रखें, अगर आपको आई थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आई थ्री आपका इक्वल हो जाएगा टोटल करंट इंटू वन अपॉन जिस रजिस्टर के अक्रॉस वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आर थ्री के अक्रॉस करनी है तो वन अपॉन आर थ्री हो जाएगा डिवाइडेड बाई टोटल रजिस्टेंस। टोटल रजिस्टेंस कैसा होगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस डॉट 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 अगर एन तक है तो वन अपॉन आर एन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले का आप डायरेक्टली यूज करके कितने भी रजिस्टर आपके पैरेलली में कनेक्ट हो उसके अक्रॉस डायरेक्टली करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको बार बार इस तरीके से इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि हमने आई वन कैलकुलेट किया था करंट, वैसे ही आप इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर कैलकुलेट करेंगे तो सेम एज इट इज वैल्यू ये आएगी। जैसे आपको आई वन ही कैलकुलेट करना था तो आप इस फॉर्मूले से यूज करेंगे आई इंटू वन अपॉन आर वन डिवाइडेड बाई वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास बचेगी आई अपॉन आर वन डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपके पास कितना आर टू आर थ्री प्लस ये आर वन आर थ्री प्लस ये आर वन आर टू डिवाइडेड बाई ये आर वन आर टू और आर थ्री। और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे ये ऊपर चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में, तो ये बचेगा आपके पास आई आर टू आर थ्री डिवाइडेड बाई आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर थ्री प्लस आर वन आर टू ये बचा। और जो हमने इस मेथड से कैलकुलेट किया था इसको भी आप अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर देख सकते हैं ये बचेगा आई इंटू आर टू आर थ्री डिवाइडेड बाई ये आर टू आर थ्री इस आर टू आर थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे। सिंपल एलसीएम लिया है हमने तो ये हो जाएगा आर वन आर टू प्लस ये बचेगा आर वन आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री और इसके और इसका जो एलसीएम आया था उससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये आपका सेम आ गया ये इसके। तो आप चाहे इस फॉर्मूले से यूज करके कैलकुलेट करें या उसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें तो ये फॉर्मूला आपको इजी पड़ेगा, इसको आप याद रखें, आप काफी सारे क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम इंडक्टर्स इन पैरेलल। अगर इंडक्टर्स आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो सर्किट आपका कुछ इस तरीके से होगा। ये इंडक्टर हम मान लेते हैं एल वन है, ये इंडक्टर L2 है, ये L1 है, ये L2 है, ये टोटल करंट I है, इसमें अगर करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे L इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सिंपल अप्लाई करेंगे यहाँ पे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू L di बाई dt और I इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन L इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू t V dt। अब यहाँ पे हम KCL के थ्रू लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब I को हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 1 अपॉन L इक्विवेलेंट ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू T V dt इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन L1 ये माइनस इनफाइनाइट टू T V dt प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन L2 माइनस इनफाइनाइट टू T V dt। अब ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी दोनों साइड, तो आपके पास जो है 1 अपॉन L इक्विवेलेंट बचेगा कितना 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। तो ये आप L इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि सेम है रेजिस्टर्स के L इक्विवेलेंट से। अब अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें यहाँ पे करंट डिवीजन रूल से इस I1 की और I2 की कि ये टोटल करंट किस किस रेशियो में L1 और L2 में फ्लो होगा, तो I1 आप लिख सकते हैं यहाँ से कितना 1 अपॉन L1 माइनस इनफाइनाइट टू T V dt। अब यहाँ पे जो माइनस इनफाइनाइट टू T V dt है इसको आप क्या लिख सकते हैं I इंटू L इक्विवेलेंट क्योंकि ये वैल्यू इक्वल है I के, तो I1 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन L1 इंटू I इंटू L इक्विवेलेंट और L इक्विवेलेंट की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। तो जो I1 है वो हो जाएगा 1 अपॉन L1 इंटू I इंटू L इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी I
L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2, ये हो जाएगा आपका करंट डिवीजन रूल से इस करंट I1 की वैल्यू। वैसे ही सेम मेथड आप अप्लाई करेंगे और I2 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास IL1 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। सेम यही मेथड आपको अप्लाई करनी है तो आप I2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रजिस्टर और इंडक्टर में जब वो पैरेलल में कनेक्ट हों या सीरीज में कनेक्ट हों ऑलमोस्ट सेम रूल अप्लाई होते हैं, एल इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट के लिए भी और करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन रूल के लिए भी। तो सिंपल आपको ये कैलकुलेशन याद नहीं रखना है, आपको बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑलमोस्ट आपके हर जगह पे ये यूज होने वाले हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। केवल कैपेसिटर में ये चीज चेंज हो जाती है। अब कैपेसिटर्स की बात करें, अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हैं तब क्या होगा, जब कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो सर्किट अगर आपके पास कुछ इस तरीके से है, ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, C1 और C2, इसमें करंट अगर I फ्लो हो रहा है, इसमें हम करंट मान लेते हैं I1 और इसमें करंट मान लेते हैं I2, तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट आप लिख सकते हैं C dV बाई dt और वोल्टेज आप लिख सकते हैं 1 अपॉन C माइनस इनफाइनाइट टू टी वी डी टी। अब यहाँ पर देखिए I आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2 KCL से। अब I की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे C dV बाई dt इक्वल टू I1 आप क्या लिख सकते हैं C1 dV डिवाइडेड बाई dt और यहाँ पे I2 को आप लिख सकते हैं C2 dV डिवाइडेड बाई dt। वोल्टेज मैंने बताया ना पैरेलल में सेम होगा तो वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी, केवल डिफरेंट क्या होगी करंट की वैल्यू। तो यहाँ पर dV बाई dt से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो C जो है या C इक्विवेलेंट हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये टोटल सर्किट की बात हो रही है, तो C इक्विवेलेंट आपका इक्वल हो जाएगा C1 प्लस C2 के। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कनेक्शन में। अब करंट डिवीजन रूल इसमें कैसे अप्लाई होगा, करंट डिवीजन रूल से आप I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा I इक्वल टू C1 dV डिवाइडेड बाय dt। अब dV बाय dt को आप यहां से लिख सकते हैं I अपॉन C इक्विवेलेंट क्योंकि I इक्वल टू है C इक्विवेलेंट इनटू dV बाय dt के, तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू C1 इनटू dV बाय dt की जगह पे आपका हो जाएगा I डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट और I1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी IC1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा करंट I1 की वैल्यू इस कैपेसिटर के अक्रॉस। वैसे ही आप I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कितनी आ जाएगी IC2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा आपका करंट डिवीजन रूल इन कैपेसिटर्स में जब ये पैरेलली कनेक्ट है। तो सीरीज कनेक्शन हमने देखा, पैरेलल कनेक्शन हमने देखा, तो इसका कंक्लूजन मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, रजिस्टर और इंडक्टर में ऑलमोस्ट सेम होता है जब ये सीरीज में कनेक्ट हो या पैरेलल में कनेक्ट हो। आर इक्विवेलेंट और एल इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है आर वन प्लस आर टू या इंडक्टर्स कनेक्ट हैं तो एल वन प्लस एल टू जब ये सीरीज में कनेक्ट हो। और वोल्टेज डिवीजन रूल इसमें कैसे अप्लाई होता है, दोनों के लिए सेम है, तो अगर हमें V1 वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज इनटू ये R या L, जैसे R1 के अक्रॉस कैलकुलेट करनी है तो VR1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, वैसे ही L1 के अक्रॉस अगर कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे R की जगह पे L हो जाएगा, ये सेम होता है। लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में अगर आपको V1 वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो ये वैल्यू कितनी होती है आपके पास V C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, मतलब टोटल वोल्टेज इनटू डिफरेंट कैपेसिटर्स जो कि उसी के साथ सीरीज में कनेक्ट है डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये डिफरेंस है दोनों में, ये आपको याद रखना है। और पैरेलल कनेक्शन में हमने यहाँ पे देख ही लिया है। और अगर पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटर के अक्रॉस हम चार्ज की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन में अगर कैपेसिटर्स आपके कनेक्टेड हैं कुछ अगर इस तरीके से, ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, ये इस तरीके से कनेक्ट हैं C1 और C2, तो इन दोनों कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो अलग अलग होगा क्योंकि यहाँ पे करंट भी इनमें अलग अलग है, ये I करंट है, ये I1 और ये I2, तो दोनों में चार्ज भी आपका अलग अलग होगा। तो आपका चार्ज कितना हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2।
अब टोटल चार्ज आपका हो जाएगा, क्यू को हम लिखते हैं सी इंटू वी, तो क्यू वन को हम लिखेंगे यहाँ पे सी वन इंटू वी, वोल्टेज आपका सेम है तो हमेशा वी ही रहेगा, क्यू टू को लिखेंगे सी टू इंटू वी, और क्यू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी इंटू वी, तो सी जो इक्विवेलेंट है ये आपका हो जाएगा सी वन प्लस सी टू के। तो इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या टोटल चार्ज की अगर हम बात करें इन पैरेलल कनेक्शन में, तो टोटल चार्ज आपका हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी। अब सी इक्विवेलेंट आपका कितना है, सी वन प्लस सी टू, तो ये हो जाएगा सी वन प्लस सी टू इंटू वी, तो टोटल चार्ज हो जाएगा ये पैरेलल कंडीशन में। तो इस तरीके से आप इनको याद रखें। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसमें आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस के बारे में पता चला होगा और कैसे वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं और करंट डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं, ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके सीरीज और पैरेलल के अलावा भी एलिमेंट कनेक्टेड हो सकते हैं स्टार और डेल्टा के फॉर्म में, तो स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।